दिल्ली कैपिटल्स की विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर की बल्लेबाजी इस सीजन काफी चर्चा में है, क्योंकि सिर्फ 117 के स्ट्राइक रेट से अभी तक 3 मैचों में बल्लेबाजी करते नजर आए अगर ओवरऑल देखा जाए। वैसे तो ऑरेंज कैप की लिस्ट में दूसरे नंबर पर चल रहा है ये खिलाड़ी, लेकिन 117 का स्ट्राइक रेट ये थोड़ा कल्पना से परे है कि विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर से उम्मीद की जाती है कि 170 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करे, लेकिन 117 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं ये इनकी एक मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि दिल्ली का कोई और बल्लेबाज इनका साथ नहीं दे रहा। वैसे तो देखा जाए इनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट 139 यानी करीब करीब 140 का है और 42 की एवरेज से खिलाड़ी रन बनाता है। आईपीएल के फॉर्मेट में 6000 से ज्यादा रन कंप्लीट कर लिए हैं डेविड वॉर्नर ने, और ये 6000 से ज्यादा रन कंप्लीट करने वाले तीसरे ऐसे बड़े खिलाड़ी बने होंगे, क्योंकि इनसे ऊपर विराट कोहली और शिखर धवन जैसे खिलाड़ियों के नाम हैं। और ये पहले ऐसे विदेशी खिलाड़ी जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। इनसे पीछे एबी डिविलियर्स हैं, जिन्होंने आईपीएल में सबसे ज़्यादा 5162 रन, और इसके बाद कहीं ना कहीं क्रिस गेल है जिन्होंने 4965 रन बनाए। लेकिन जिस तरीके से डेविड वॉर्नर बल्लेबाजी करता है आईपीएल में, ये सभी के लिए चौंका देने वाला है। सबसे ऊपर विराट कोहली जिन्होंने 217 मैचों में 6227, तो उनसे नीचे कहीं ना कहीं शिखर धवन जिन्होंने 208 मैचों में 6370 रन बनाए हैं। लेकिन डेविड वॉर्नर के अगर आंकड़ों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो उन्होंने सिर्फ 65 मैच में 6000 रन का आंकड़ा पार कर लिया, और अभी तो अगर 30-40 मैच और खेलेंगे तो शायद ये 7000 का भी आंकड़ा पार कर ले। तो आपको बताया डेविड वॉर्नर ने राजस्थान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 55 गेंद में 65 रन बनाए 7 चौके की बदौलत। इस दौरान इनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 118 का रहा। रायली रूसो ने 12 गेंद में 14 रन बनाकर इनका साथ दिया था। पृथ्वी शो, मनीष पांडे पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर आउट हो गए थे बिना खाता खोले। मनीष पांडे तो गोल्डन डक हुए थे। तो वहीं ललित यादव ने 24 गेंद में सिर्फ 38 रन बनाए थे। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए, सिंगल डिजिट पर सब आउट हो गए। तो वहीं 3 बल्लेबाज सिर्फ डबल डिजिट तक पहुंच पाए। 3 विकेट बोल्ट ने, 3 विकेट चहल ने, 2 विकेट अश्विन ने यहां पर चटकाए, तो 1 विकेट संदीप शर्मा को मिली। राजस्थान के बल्लेबाजों में यशस्वी जायसवाल ने 31 गेंद में 60 रन 11 चौके 1 छक्के की बदौलत मारा था। तो वहीं जॉस बटलर ने 51 गेंद में 79 रन 11 चौके 1 छक्के की बदौलत मारा था, और हेटमायर ने 4 छक्के 1 चौके की बदौलत 21 गेंद में 39 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच बने। अगर डेविड वॉर्नर की पिछली कुछ पारियों पर नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि किस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ डेविड वॉर्नर ने 48 गेंद में 56 रन बनाए थे 116 के स्ट्राइक रेट से, वहां पर छक्का एक भी नहीं मारा था। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए फिर गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में वहां पर भी 7 चौके मारे थे 32 गेंद में 37 रन बनाए थे 115 के स्ट्राइक रेट से। और आज भी अगर देखा जाए तो डेविड वॉर्नर ने 7 यहां पर जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 7 चौके मारे, तीनों ही मैचों में 7 चौके मारे। लेकिन भाई ऑरेंज कैप की लिस्ट में अगर इनका नाम देखा जाए तो ऑरेंज कैप की लिस्ट में इनका नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में, क्योंकि 3 मैचों में 158 रन तो बनाए 52 की एवरेज से, लेकिन 117 के स्ट्राइक रेट से बनाया, छक्का एक भी नहीं मारा, 21 चौके अभी तक मार चुके हैं। तो डेविड वॉर्नर अगर ऐसे चलते रहे तो जरूर ऑरेंज कैप की लिस्ट में इनका नाम आगे रहेगा ही रहेगा। पिछले अगर कुछ सीजनों में देखा जाए तो लगातार 400-500 रन का आंकड़ा तो यूं ही पार कर लेते हैं, क्योंकि अगर 165 मैच में 6000 रन कंप्लीट कर लिए तो ये जरूरी भी है इनके लिए। लेकिन 2016 में अपनी कप्तानी में हैदराबाद को ट्रॉफी जिता पाए हैं, लेकिन अब देखते हैं 3 मैच लगातार हारने के बाद कैसे वापसी करते हैं डेविड वॉर्नर अपनी कप्तानी के जरिए बाकी खिलाड़ियों के साथ। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को बहुत बुरी हार का 57 रन के यहां पर बड़े मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा, और पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स का बुरा हाल है, 9वें नंबर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।